नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कल के सही उत्तर देने वालों के नाम लेना चाहूँगी। अनूप पांडे जी, दीपाली यादव जी, श्रीम शर्मा जी, आप लोगों ने कल के प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। इसके अलावा कमेंट लक्ष्मी कुमारी जी ने, उपदीप कौर जी ने कमेंट किया है, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास आपकी लिखित परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं, साक्षात्कार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक एक बारीक से बारीक चीज़ें ध्यान रखिएगा। जिसको भी साक्षात्कार देना है उसके ये बहुत काम आने वाला है। देखते ही देखते हमारे 80-90 पेज पूरे हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, प्रकरण 4 है सगुण धारा। सगुण धारा में हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। जगतपति स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के लिए उपयुक्त ना था। अद्वैतवाद का क्या मतलब? अद्वैतवाद यानी एकत्ववाद, दो ना होना। किसका दो ना होना? ब्रह्मा का और जीव का दो ना होना, एक ही मानना। अद्वैतवाद ब्रह्म और जीव दोनों को एक ही मानता था, उसमें भेद नहीं मानता था। इस वजह से ये भक्ति के सन्निवेश के लिए उपयुक्त नहीं था, ये जो दर्शन था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार किया गया, उन्होंने सगुण रूप में भी ब्रह्मा को स्वीकार किया, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। ठीक है, भक्ति के लिए जैसे दृढ़ आधार की जरूरत थी, वो किसने खड़ा किया? स्वामी रामानुजाचार्य जी ने। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो जग उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, इसको भी जब हम अलग करके देखते हैं, विशिष्ट अद्वैत है ना, ये अद्वैत ही है लेकिन कुछ विशिष्ट है। ये कैसे विशिष्ट है? इसने सूर्य की किरणों की तरह ब्रह्म को एक होने पर भी अनेक माना है ना। जिस तरह से जगत और जीव ब्रह्मा से भिन्न है, लेकिन इसने माना कि जगत और जीव, इस आदर्श मतलब इस दर्शन में माना गया कि जगत और जीव ब्रह्मा से तो भिन्न है लेकिन ब्रह्मा से ही उत्पन्न है। ठीक है, तो उनके जो रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत था, उसने भक्ति के लिए एक दृढ़ आधार खड़ा किया। अतः इन जीवों के लिए उद्धार्ग का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उसी अंश का सामीप्य लाभ का प्रयत्न करें, है ना। रामानुजाचार्य जी ने बताया या कहा अपने दर्शन में कि क्योंकि जीव और ब्रह्म, जीव ब्रह्म से उत्पन्न होते हुए भी ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म से अलग है, इसलिए उस जीव के उद्धार का मार्ग नहीं, एक रास्ता यही है कि वो भक्ति से, भक्ति के द्वारा अपने उसी अंश के सामीप्य यानी पास जाने का प्रयत्न करे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है, है ना। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? विष्णु या नारायण की, याद रहिएगा। इसी संप्रदाय के अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते आए हैं। ठीक है, विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इसी चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए।
ठीक है। राघवानंद जी ने किसको दीक्षा प्रदान की? रामानंद जी को। और थोड़े दिनों में परलोकवासी हो गए, मतलब रामानंद जी को वो दीक्षा दे के उनको अपने सिद्धांतों की बारे में बताकर वसीयत दे विरासत देकर वो परलोकवासी हो गए। कहते हैं रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया, मतलब पूरे भारत में घूम के उन्होंने अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय स्वामी रामानंद जी के संबंध में कहीं कोई लेख ना मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ अनुसांगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है, मतलब उनके विषय में कुछ भी लेख कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिला है, इसलिए पूरी तरह से उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, कुछ ऐसी सुनी हुई बातों का हमको सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है, है ना। रामानंद जी का किससे वाद विवाद माना जाता है? शेख तकी पीर के साथ, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के टाइम समय में थे। अब याद करिए, इसको वहाँ से कनेक्ट करिए, शेख तकी, इनको आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और ये सिकंदर लोधी के समय में थे, है ना। और अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो कबीरदास जी की मृत्यु को का कारण कौन था, कौन से बादशाह थे, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे, देखिए आगे इसी में बता दिया, और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था, है ना। सिकंदर लोधी के जो गुरु कौन थे? शेख तकी थे, और उन्हीं के कहने पे कबीर को जंजीरों में बांध के गंगा में डुबो दिया गया था। कबीर के शिष्य धर्मदास जी ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। अब इस घटना का उल्लेख पहले के वीडियो में किस प्रकार आया है, मुझे जरा कमेंट में बताइएगा। साह सिकंदर जल में बोरे बहुर अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए सिंह रूप दिखलाए, ठीक है। निर्गुण कथे अभय पद गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के समय में वर्तमान थे। और मुस्लिम लोग, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मुस्लिम लोग किसको मानते थे कबीरदास जी का गुरु? हाँ, उत्तर बताइएगा। और जबकि यहाँ पर ये कई जगह पे ये सिद्ध हो रहा है कि शेख तकी कबीरदास जी की मृत्यु का कहीं ना कहीं कारण भी बने। सिकंदर लोधी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा, ठीक है। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर हो और चाहे अंत की ओर, रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। तो रामानंद जी किसके समय पे वर्तमान थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर लोधी के टाइम पे। किसके समय पे वर्तमान थे? सिकंदर लोधी के टाइम पे, ठीक है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा ये रीति करत रहे साधुन सो प्रीति, तहां को राजा राम बघेला बरन्यो ते कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई मुकुर दिखावे तेल लगाई, ठीक है। रीवा के राज्य के इतिहास में राजा रामचंद्र का समय 1671 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही ये सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई
का रूप धारण करने वाली प्रसबात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। यहाँ पे रामानंद जी के, क्योंकि उनके विषय में कोई भी लेख नहीं मिला है, तो यहाँ पर उनकी समय का, उनके वर्तमान रहने के सही समय का अंदाज लगाने की कोशिश की जा रही है। इस दशा में स्थूल रूप में उनका समय विक्रम की 15वीं सती से चतुर्थ और 16वीं सती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोक संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का कोई और व्रत ज्ञात नहीं है। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी उनके भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। वो जरूर रामानुजाचार्य जी के ही मतावलंबी थे, लेकिन उनका जो उपासना पद्धति थी, वो पूजा का तरीका था, उपासना का वो विशेष था। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप ना लेकर लोक में लीला का विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या किया था, श्री संपदाय विष्णु सेवक है ना, इन्होंने वैकुंठ में रहने वाले विष्णु से की का स्वरूप नहीं लिया, इन्होंने लोक में लीला करने वाले है ना, संसार में लीला करने वाले अवतारी राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में कोई रामोपासक भक्त नहीं होते थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रति प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए थे, है ना। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसके प्रवर्तक जो षटकोपाचार्य थे वो उससे भी 5 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, 10 रथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणम वन्नामि श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसत्वी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक संबल संप्रदाय का संगठन किया। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। मतलब रामानंद जी ने भक्ति को सर्व सुलभ बना दिया। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, देश का भेद, वर्ण जाति का भेद, उन्होंने इसको भक्ति के मार्ग से अलग करके भक्ति को सर्व सुलभ, सभी के लिए सुलभ बना दिया। ये बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने नाथों और सिद्धों को देखा था उनकी देखा देखी कर दी, नहीं, उन्होंने महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार ये किया था। रामानुजाचार्य संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि में आज भी अयोध्या चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है।
भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना को स्वीकार करते थे, है ना। उनके अनुसार वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को मानते भी थे और उनके जो अलग अलग कार्य थे उनकी योजना को वो स्वीकार भी करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया था। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा ने इन्हें मान्य थी पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। मतलब जहाँ कर्म क्षेत्र की बात आती है, सांसारिक कार्यों की बात आती, वहाँ तो ये मानते थे चीज़ों को, पर जब भक्ति की उपासना की बात आती थी वहाँ पे सांसारिक प्रतिबंध, जाति पाति वर्ण देश आदि का भेद इन्हें स्वीकार नहीं था। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं, वो हैं कबीरदास, रैदास, सेनाई और गंगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल दो संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताप्त भास्कर और श्री रामाचल पद्धति, और इनका कोई ग्रंथ आज तक नहीं मिला है। इन दोनों ग्रंथों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। इधर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसा ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी उनके दो ही ग्रंथ मान रहे हैं, लेकिन इनके नाम पे कुछ अन्य ग्रंथों की रचना की गई है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते थे। इसी से वे रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य के रूप में प्रमाणित करने के लिए उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी के समय समय पर विनय और स्तुति के पद हिंदी में स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे, जिनमें केवल दो तीन पदों का पता अब तक चला है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है, है ना। अब ये पद तो मुझे लगता है सबको पता होगा, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते मही कांपे, रोग सोग जाके सिमक निकट न भापे, अंजन सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, पाएं भुजा सब असुर सहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छित परियो, पैठ पताल जम कातर तरियो। सभी को ये याद होंगी पंक्तियाँ, ये तो आपको सभी को याद होंगी, इनको मैं आगे नहीं वो कर रही हूँ। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का प्रचार अवसर लोगों को मिला, क्योंकि उनके विषय में कोई प्रमाणिक व्रत नहीं मिला था, तो लोगों को ये अवसर मिल गया कि उन्होंने कई तरह के प्रवादों का, विवादों का उनके नाम पर प्रचार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि ये संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिनों उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हों। दूसरी बात उनके संबंध में जो कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि इन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे यह स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्त मार्ग के अनुयायी थे। वे घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं, इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं।
अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर सेन थन्ना, रैदास पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहरी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई, यही रामानंद जी की पहली और सबसे प्रधान, रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी हुई। ठीक है, रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतात्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर में, उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा इसको महत्व प्राप्त था, दक्षिण में जो तोतात्री को प्राप्त था वही उत्तर भारत में गलता को प्राप्त था। ये उत्तर तोतात्री कहलाया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उत्तर तोतात्री कहलाया। कृष्णदास पहरी राजपुताने की ओर दाहिमा ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में एक विशेषता राजपुताने में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्ध की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उनके प्रति दुर्भावना रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पहरी जब पहले पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है, इस पर पहरी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े से उठाकर दूसरी जगह पर जा बैठे। ये देख योगी महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पहरी जी के मुख से निकला, तू कैसा गधा है? ये वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राओं के कानों से निकलकर पहरी जी के सामने इकट्ठा हो गई। अजमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पहरी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पहरी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पहरी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और कीलदास। इन्हीं कीलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसने रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। इस शाखा में वैरागियों में तपसी शाखा नाम से प्रसिद्ध हुई। तपसी है ना, योग साधना, तप, इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तपसी नाम से। ठीक है, कीलदास जी की जो प्रवृत्ति थी राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर थी। ठीक है, इसी से इन्होंने इसमें योगाभ्यास का समावेश किया और उनकी एक शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कीलदास जी के शिष्य द्वारका दास जी ने इस शाखा को पल्लवित किया और उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दूनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वे बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। समझ गए क्यों चलाई गई इस कथा? किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए पंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे ही दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास भी हैं, जिनका नाम है योग चिंतामणि और दूसरा है राम रक्षा स्रोत। दोनों के कुछ नमूने देखिए। विकट कटक रे भाई, काया चढ़ी न जाई, जहां नाद बिंदु का हाथी, सदगुरु ले चले साथी, जहां अष्ट दल कमल फूला,
हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नैनों में बसे, शब्द नैनों बसे, शब्द की महिमा चार वेद गाई। कहे रामानंद जी सतगुरु दया करी मिलिया, सत्य का शब्द सुनु रे भाई। अब आप इसकी खुद ही देख लीजिए, जो शैली है, भाषा शैली, वो बिल्कुल अलग समझ आ रही है। सूरत नगर करे शैल, जिसमें है आत्मा का महल, योग चिंतामणि में दी हुई है। संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नादम नादम सुसुमना के राज साज्या, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी पांच मुद्रा सदांत साधु राजा। डरे डूंगरे चले और थले थले बाटे घटे, औघट निरंजन निराकार रक्षा करे। बाग बागिन को करो मुख काला, 64 जोगनी मारी कुटकाल किया, अखिल ब्रह्मांड तेहुलोक में दुबाई फिरवा करे। दास रामानंद ब्रह्मचीना, सो कोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। ये पंक्तियां हैं राम रक्षा स्रोत से। आपको पंक्तियों में स्पष्ट भाषा शैली में अंतर समझ आ रहा होगा। झाड़फूंक के ऐसे काम, ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े हैं। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथ पंथ में, उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। याद रखिएगा, संध्या शब्द का पारिभाषिक अर्थ क्या है? सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इस प्रकार निरंजन का निरंजन भी गोरख पंथ में ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों लय हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। नाद कोटि सहस्त्राणी बिंदु कोटि शतानी च, सर्वे सर्वे तत्रा लयम गेति यत्रा देवो निरंजना। नाद और बिंदु क्या है? ये नाद पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद जी के मिलते हैं। उस एक है, कहाँ जाई हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, जहाँ चल जाइए तहाँ चल पासन, पूरी रहे हरी सब समान। वेद स्मृत सब मिल्यो जोई, उहां जाई हरि यहाँ न होई, एक बार मन भयो उमंग, घस चोवा चंदन चारी अंग, पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई। सतगुरु के मैं सतगुरु में बलिहारी तोर, सकल विकल ब्रह्म जारे मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्म गुरु के, एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत ये दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं, किसी और रामानंद के हों तो हो सकते हैं। पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं, वैष्णव मताप्त भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोदेश तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, सोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। आचार्य अवतारों के भेद में तो स्वयं व्यक्त द्वैत सैद और मानुष करके कहा गया है। ये प्रशस्त देशों अयोध्या मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा ना करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तुं परः सिद्धिं किंचनो जनो द्विजाति रिक्षा शरणं हरि ब्रजेत। परम दयालु स्वगुणानपेक्षित क्रियाकलापादि जाति भेद। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगी। प्रश्नों के उत्तर दे दूँ?
बाबर के समय के संत कवि जायसी थे। जायसी का अनुसरण उस्मान ने किया था। पद्मावत में जायसी ने शेर शाह की प्रशंसा की है। जायसी ने अपनी रचना के पहले चार काव्यों मुग्धावती, मृगावती, प्रेमावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, कल के वीडियो में मैं प्रश्न पूछूंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।